Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि सीरत कार्तिक के लिए एक नई दुल्हनिया ढूंढ रही है। जब ये कार्तिक को पता चलता है तब कार्तिक काफ़ी ही गुस्सा हो जाते हैं सीरत पे और वो सीरत को चिल्ला देते हैं। यहाँ सीरत का दिल टूट जाता है और वो रणवीर के पास आ जाती है। वहीं कार्तिक अपनी गलती रियलाइज़ करते हैं और वो सीरत से माफ़ी मांगते हैं। जब सीरत मौड़ी से मिलने जाती है सुवर्णा और दादी के वीडियो कॉल की बातें सुन लेती है, जहाँ दादी सुवर्णा और गायू उससे कहती है कि कार्तिक के लिए सीरत काफ़ी ही सही लड़की थी। जहाँ दादी का मानना है कि जहाँ सीरत भी काफ़ी ही खुश थी कार्तिक के साथ। इतना ही नहीं, दादी ये भी कहती है कि भले ही सीरत पहले रणवीर से प्यार करती हो लेकिन अब सीरत के दिल में भी कार्तिक के लिए जगह है। जहाँ दादी ने कई बार नोटिस किया है कि कार्तिक सीरत और कार्तिक के बीच में एक खास बॉन्डिंग होता है जब भी वो एक दूसरे के साथ होते हैं। दादी ये भी कहती है कि सीरत को रणवीर के साथ शादी नहीं करना चाहिए था। वहीं ये सब बातें सुन सीरत काफ़ी ही शॉक हो जाती है और सीरत के मन ही मन ढेर सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। वहीं रणवीर जब सीरत को बताते हैं कि वो 2 साल में हर एक घड़ी उसे काफ़ी ही मिस करते थे, सीरत भी उसे काफ़ी ही मिस करती होगी। जहाँ ये सुनकर सीरत काफ़ी ही स्पीचलेस हो जाती है और हम सभी जानते हैं कि सीरत काफ़ी ही मूव ऑन हो गई थी अपने लाइफ में और वो रणवीर को इतना मिस नहीं करती थी जितना रणवीर उसे मिस करते थे। अब देखना यह है कि क्या सीरत को रियलाइज़ होगा कि वो कार्तिक से प्यार करती है। वेल, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।